तो बच्चों अभी हमारे स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसके अंदर क्या कहा है, अ यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज वाई न्यूटन मीटर न्यूटन पर मीटर। इफ द लेंथ एंड रेडियस आर रिड्यूस टू एल बाय टू एंड आर बाय टू देन यंग्स मॉडुलस विल बी। तो हमें नई यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है जब लेंथ रिड्यूस हो जाए एल बाय टू पे और रेडियस रिड्यूस हो जाए आर बाय टू पे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये क्या आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये क्या आएगा, एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन एल, ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहां पर हम इसको और सिंप्लीफाई करता है, एफ इंटू एल एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक, अच्छा ये तो हो गया वाई वन, राइट। हमें पूछा गया है कि नया जो यंग्स मॉडुलस आएगा वो क्या होगा जब लेंथ और रेडियस आधे हो जाएंगे, यानी आर बन जाएगा आर बाय टू और एल बन जाएगा एल बाय टू। तो आइए हम देखते हैं, एफ इंटू इसको लिख देते हैं एल बाय टू डिवाइडेड पाई इंटू आर बाय टू होल स्क्वायर इंटू एल। तो यहां पर ये कितना आएगा, एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय टू इंटू पाई आर स्क्वायर बाय फोर इंटू एल। तो ये कितना आ गया, इसको लिख देते हैं फिर से, वाई टू इज इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय वन बाय टू इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये वन बाय टू ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, ट्वाइस एफ एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब ये देखो बच्चों, एफ एल इंटू एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये क्या हो जाता है, वाई वन हो जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं वाई टू इज इक्वल टू टू वाई वन। तो कौन सा आंसर सही निकलता है, तो तीसरा ऑप्शन सही निकलता है।